सौरव जोशी। अच्छा उसके दोस्त हो? हाँ सौरव जोशी का दोस्त है। सही है, मिले उसे? अच्छा अच्छा, ये है सबको यात्रा करा रहे हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजर है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। गुजरात से है। अभी हम श्रीनगर से काम अपना करवा के, जो साइकिल का करवाना था सारा हमारा काम हो गया, कुछ लेना था वो भी ले लिया, तो भाई भी अपने साथ हो गए। अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, तो यहाँ से श्रीनगर से बाहर निकल जाएंगे अभी थोड़े टाइम में। लेकिन देखते हैं खाना खाना है यार, सुबह से ना कुछ नहीं खाया और 11:30 बज चुके हैं, तो खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे श्रीनगर से बाहर। अगर नहीं मिला कुछ अच्छा तो बाहर खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ढाबे वगैरह तो बहुत हैं। अभी देखते हैं। कहाँ पे है कॉलोनी? वो कॉलोनी में घर है आपका? पहले मतलब पहले रहते थे? अभी भी है हमारा कमरा। अच्छा अभी भी है, सही है। और ये पीछे सारा हम श्रीनगर छोड़ कर आए हैं, और यहाँ से रुद्रप्रयाग रह गया है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर आराम से निकल जाएगा, कोई है नहीं। चढ़ाई तो वैसे बहुत है, देखिए और आगे भी देखिए, लेकिन अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 से 2 हुए, 2 से 3, ऐसे करके हमारी कभी ना कभी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने कहा 1 से 2 हुए, 2 से 3 बढ़ जाएगी धीरे धीरे टीम। अभी यार ना गर्मी काफ़ी हो गई, और रुद्रप्रयाग 26 किलोमीटर, पीछे लिखा था 22, अभी 26, तो भूख भी बहुत लग रही है यार। अभी यहाँ पे है कुछ थोड़ा सा रेस्टोरेंट वगैरह, कुछ ना कुछ खाना खाते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है। और भाई क्या हाल है, बढ़िया हो? और कहाँ से हो रही आपकी सवारी? पंजाब मोगा से। कहाँ जाओगे आप? हम जाएंगे माना उत्तराखंड। बैठो बैठो भाई जी। हाँ जी हाँ जी, बद्रीनाथ से आगे। बद्रीनाथ से आगे, हाँ बिल्कुल लास्ट विलेज। चाइना का बॉर्डर, हाँ चाइना बॉर्डर। यहाँ देखो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक हवा चल रही है। हाँ भाई माहौल ही यार क्या बात है। अभी थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा है, धूप पड़ रही है, थोड़ा मौसम चेंज क्या होगा, थोड़ा और आगे बढ़ोगे रुद्रप्रयाग के आगे तो बहुत अच्छा है, मौसम चेंज हो जाएगा पूरा आपका। आप कहाँ से हो? हम लोग श्रीनगर के। यहीं से हो? ठीक है, गाड़ी चलाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ठीक है, बढ़िया भाई। हेलो, और यहाँ पे उनका ढाबा है। और सर कैसे हो? बस सर बढ़िया। बढ़िया हो? बढ़िया। मिल जाएगा कुछ खाने पीने के लिए? खाने के लिए नहीं नहीं सही है, चाय पानी नाश्ता जो भी है। चलो अभी करते हैं भाइयों से बात। हाँ जी यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ जी, तो अभी हमारी थाली है जो वो रेडी हो चुकी है, तो खाना खाते हैं उसके बाद चलेंगे आगे। और भाई तो घर से खा के आए थे आज। मैं नाश्ता करके आया था और मेरा फज रहा है, तो मेरी थोड़ी हालत भी खराब हो रही है, तो अभी मैं नहीं खा रहा हूँ, अभी मेरा शरीर बस पानी मांग रहा है। नहीं नहीं पानी वगैरह पियो, और भाई हैप्पी तो साथ में खाए गए। तो अभी हमने खाना खा लिया है, और रुद्रप्रयाग यहाँ से है 22 किलोमीटर, तो चल रहे हैं धीरे धीरे। और ना आगे जाके यार कहीं ना रुक कर थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा हमारे ना फ़ोन भी नहीं चार्ज, यार फ़ोन चार्ज कर लेंगे हैप्पी का भी, और उस भाई का दूसरा तो चार्जर लेके नहीं आया साथ में, तो उसे भी चार्जर तो रुद्रप्रयाग से मिल जाएगा, वहाँ से ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार हम चार्ज करें, और यहाँ से चढ़ाई है सीधी वहाँ तक, 3-4 किलोमीटर चढ़ाई है, उसके बाद सही है। और भाई क्या हाल है? तो सर मिले हैं हमें। और सर बढ़िया हो? बढ़िया हूं, बढ़िया। और जी पंजाब के उत्तराखंड। हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया जी, आप बताइए। एकदम भाई
कहाँ से आप? मैं पंजाब मोगा। हम गुजरात, उत्तर गुजरात से। अच्छा, वहाँ से आए हो आप? बस से? हाँ, बस से आए। कहाँ पे आप? कहाँ से कहाँ? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आप सर, बढ़िया हो? ये भी यूट्यूबर है? हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है तेरा यूट्यूब पे? छोटा युगा। छोटा युगा। युगा, तो यार सबसे बड़ी बात है कि इतना छोटा बच्चा है यूट्यूब पे, तो इसको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ये उसका दोस्त है। क्या नाम है उसका यूट्यूबर का? सौरव जोशी। अच्छा, उसके दोस्त हो? हाँ, सौरव जोशी का दोस्त है। सही है, मिले उसे? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। रिपोर्टर है? अच्छा, आप? मैं रिपोर्टर हूँ, प्रेस रिपोर्टर। ठीक है जी, प्रेस रिपोर्टर, बढ़िया। एक साथ ही अभी हमारा वो आगे जा रहा है, एक ये है। हाँ, वो देखा, भाई को देखा। बिल्कुल बिल्कुल, वो श्रीनगर से, हरिद्वार से। हरिद्वार से? पंजाब से। पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। हाँ जी, साइकिल से। यूट्यूब पे बनाते हैं हम। 300 किलोमीटर होगा? हाँ, 300-400 हो गया होगा। 300-400 किलोमीटर हो गया। अभी आगे कितना जर्नी बाकी है? अभी आगे पड़ा है 200, माना तक 200 पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी भी यात्रा सफल हो। ठीक है सर, जरूर मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, बाय। ठीक है जी, थैंक यू। गुरु नाम पूछी ले, ले अपने अपने है ना, नाम पूछी ले। गांव? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट गांव है जो, लास्ट गांव है। हाँ जी, माना गांव, माना गांव वहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है सर। तो नजदीक ही है? हाँ, बद्रीनाथ के बहुत नजदीक है। हाँ, हाँ, इतने ही, इतने ही। हम भी आ रहे हैं हरिद्वार से। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे आ रहे हैं, लास्ट गांव है वो। हाँ जी, हाँ जी, मिलेंगे अगर वहाँ पे हुआ तो। पक्का पक्का। ठीक है सर, ओके जी। नाम पूछ लो। हाँ जी, जी एस ब्लॉग। हाँ जी, फोटो निकालना। हाँ जी, हाँ जी, जी एस ब्लॉग। चैनल वाला है तुम्हारा, चैनल में फोटो आई है। यूट्यूबर, यूट्यूबर, यूट्यूबर। आप सभी जा रहे हो ना बद्रीनाथ? सभी लोग जा रहे हैं। ठीक है जी, बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये है, सबको यात्रा करा रहे हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजर है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। गुजरात से आए जी? गुजरात में से कहाँ से आए हैं? शौकीन वार्ड ऊपर रानी की वाव की फोटो है ना? अच्छा जी, पाटन, इस गाँव टोला वाला, वहाँ से आए हो? हाँ, इस गाँव के आए हम। चलो, बहुत बढ़िया है। पाटन के पटोले, ये हमारी पहचान है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा ये आप सभी से मिलके ना। आपका नंबर दे दीजिए, हो सका फिर से मिलेंगे दोबारा। ठीक है सर, ठीक है। मुंबई में पाटन में? हाँ, कभी आए तो वहाँ पे भी मिलेंगे आपसे। आपको शौक है? आपका नंबर? शौक भी है, हाँ मैं अभी दे देता हूँ। आपको शौक है? ये सामने अलकनंदा रिवर के बीच में जो मंदिर है, इसका नाम है दारी देवी मंदिर। तो इस मंदिर का इतिहास है, यहाँ पे ना जब इस मंदिर को हटाने की कोशिश की थी तो केदारनाथ जी में परले आ गई थी। तो काफ़ी यहाँ पे मतलब कि लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, तो अपने भाई भी जा रहे हैं, चलो इनके साथ चलते हैं। तो ये इस मंदिर का मतलब कि जाने के लिए रास्ता है, जो गेट बना हुआ है। यहाँ से नीचे रास्ता जाता है। हाँ जी, पंजाब मोगा। मोगा? हाँ जी, हाँ जी, मोगा से। हाँ जी, हाँ जी, मोगा। ये आप क्या यूट्यूब पे करोगे? हाँ जी, यूट्यूब। क्या नाम से यूट्यूब? जी एस व्लॉग, जी एस व्लॉग, जी एस व्लॉग, जी एस व्लॉग, जी एस, जसप्रीत सिंह मेरा नाम है, जी एस व्लॉग है, जी एस। हाँ जी, हाँ जी, आप कहाँ से हो? अभी हमारा रिकॉर्ड करो, बढ़िया। हाँ, राजस्थान। राजस्थान से आप यहाँ पे आए हो? केदारनाथ। अच्छा, आ गए आप? अच्छा, माना विलेज? माना जाके हम भी जा रहे हैं, माना तक जा रहे हैं। आप माना जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बद्रीनाथ माना। हाँ जी, केदारनाथ? केदारनाथ मैं पहले जा चुका हूँ, साइड वो साइड में रास्ता है ना। हाँ, नहीं वो वहाँ पे मैं बाइक से गया था। ये मेरा लाइव शो करोगे आप? ये आएगा आपका दो तीन दिन बाद। अभी कितने दिन हो गए निकले हुए आपको? अभी हमें दिन हो गए हैं पाँच। पाँच दिन हो गए घर से निकले हुए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पाँच दिन में यहाँ तक पहुँचे हो? कितने किलोमीटर पार किए? अभी हो ही गया 300-400। माना नहीं गया, हेमकुंड साहिब तक गया हूँ, हेमकुंड साहिब उसके साइड में ही है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, तो जाए आप नीचे, कर लिए दर्शन? कर लिए हमने जी। हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल।
और यहाँ पे अभी थोड़ा रोड ख़राब है थोड़ी सा, बाकी सारा आगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ना ये पुल बन रहा है नया। तो अभी बिल्कुल वो सामने रोड दिखी है, वहाँ से आ रहे हैं हम, पैदल ही चलना पड़ रहा है, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अभी वो सामने ढाबा है, वहाँ पे रुकते हैं, चाय पियेंगे यार। तो चलो चाय अभी हमने पी ली है, चलते हैं। यहाँ से बस ढलान ही है, 10-15 किलोमीटर है, इतना ही होगा। आज यार हमें ना रोड थोड़े ख़राब मिल रहे हैं, पहले वो चढ़ाई वाला सारा और अब ये, अभी आगे थोड़ा और ख़राब है। काम चल रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए। और भाई क्या हाल है, बढ़िया। और यहाँ पे फिर से भाई रोड का चक्कर। अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रुद्रप्रयाग। तो चलिए पहुँच चुके हैं हम, अभी आगे आके सबसे पहले करते हैं अपने रहने का इंतज़ाम, फिर खाने का। तो अभी हैप्पी सामने पानी भरने गया है और हम यहाँ पे रुके हैं, और यहाँ पे यार लगा हुआ है मेज, बैठते हैं यहाँ पे। पीछे यार व्यू देखिए, तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक तो यहाँ पे केदारनाथ के लिए गौरीकुंड, केदारनाथ, गुप्तकाशी, और ये वाला रास्ता जाता है बद्रीनाथ, माना, हेमकुंड साहिब, सारा इधर से जाता है। तो हमें इस चढ़ाई को फिर से चढ़ना है, और सामने वो रुद्रप्रयाग है सारा। तो अभी हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग में, ये सारी ये मार्केट है और सामने ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ पे भी हम टेंट लगा सकते थे, लेकिन फिर ये बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे भाइयों से पूछा, वो कह रहे हैं ये भी हमारे है, तो यहाँ पे अभी हम टेंट लगाएंगे। तो भाइयों ने सामान निकाल लिया, ये टेंट है हमारे पास, एक टेंट लगा लेंगे, भाई के पास भी है टेंट, लेकिन एक ही लगा लेंगे, इसमें चार जाने सो जाते हैं अपने वाले में, तो रात का बढ़िया हो जाएगा। अभी नीचे जाएंगे, कुछ ना कुछ खा लेंगे, अगर बनाना ना हुआ तो, अगर बनाना हुआ हमें खुद तो यहीं पर खाएँगे। तो अभी हम ये थोड़ा ना जहाँ पे हमने टेंट लगाया है उसके थोड़ा सा आगे आकर के यहाँ पे ये है पवार फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट तो यहाँ पे हमें ना 70 रुपये थाली मिल जाएगी खाना खाने के लिए। तो बढ़िया यार, मतलब कि आप भी कभी आओ तो यहाँ पे आ सकते हो, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा आ गया वहाँ से। तो चलो चलते हैं अंदर। तो अभी हमारी तीनों की थाली जो लगाते हैं हम हमेशा, वो लग चुकी है, और रात को अब टेंट भी लग गया, अब जाके सो जाएंगे हम, फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेंगे वहीं पे, हमारे प्लग भी मिल गए। उसके बाद मिलेंगे आपको कल नई वीडियो में, नए व्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अपना जैसे साथ दे रहे हो ऐसे देते रहिए। तो मिलेंगे बाद में।